अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब के अंतर्गत बताया था, कमेंट के बारे में प्रूफिंग सेक्शन बताया था जिसमें स्पेलिंग वगैरह हमने आपको चेक करना बताया था। आज की क्लास में हम जानेंगे रिव्यू टैब के अंतर्गत ही चेंजेस सेक्शन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे शीट को प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, शेयर वर्कबुक के बारे में जानेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और ट्रैक चेंजेस के बारे में जानेंगे। ट्रैक चेंज आप लोग राइटर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां भी आपको बताया गया था और यहां भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं और कोई शीट हम ओपन कर लेते हैं अपना। अब यहां पे हमारी शीट ओपन है और यहां पे रिव्यू टैब है। सबसे पहले इसमें आता है प्रोटेक्ट शीट। क्या आता है? प्रोटेक्ट शीट आता है, जो कि अगर हम देखें तो होम टैब में जाके और यहां फॉर्मेट के अंतर्गत यहां भी हमने आपको प्रोटेक्ट शीट पढ़ाया, सेम वही चीज है। तो चलिए हम एक बार पुनः देख लेते हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत जो है यहां पे प्रोटेक्ट शीट के बारे में। प्रोटेक्ट शीट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पे कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। यहां पे डायलॉग बॉक्स आता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने इस सीट को, मतलब यहां पे तो बहुत सारी सीटें हैं लेकिन केवल इस सीट पे अगर आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां पे पासवर्ड लगा सकते हैं। अब जब आप पासवर्ड लगाएंगे तो आप अपने यूजर को, जो इस सीट को देखेगा, उसको क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं, क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो यहां पे दो पे टिक लगा है, टिक ये लगा है कि सेलेक्ट लॉक सेल। वैसे तो आपको पता है कि हमारी वर्कशीट में जो भी सेल है पहले से लॉक ही होते हैं, पहले से क्या होते हैं, लॉक होते हैं। तो यहां पे जो लॉक सेल है उनको सेलेक्ट कर सकता है यूजर, ठीक, यहां पे मतलब अनुमति दी गई है। दूसरा है सेलेक्ट अनलॉक सेल, जो अनलॉक सेल है उनको भी वो सेलेक्ट कर सकता है। तो यहां पे दो को जो है अलाउ कर दिया गया है और सभी को अलाउ नहीं किया गया। तो यहां पे क्या है, चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसे करके इसको पासवर्ड लगा के देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम और करके इसमें दिखाएंगे। तो यहां पे हम पासवर्ड दे देते हैं और एक बार पासवर्ड देने के बाद आप ओके करेंगे। अब हमने पासवर्ड लगा दिया, ठीक, यहां पे अगर आप होम टैब में जाए तो देखिए सारे टूल अब यहां पे डिजेबल हो गए, मतलब अब हम यहां पे कोई चीज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, हम सेलेक्ट तो कर सकते हैं, यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं और हम अगर बैक स्पेस की दबाएं तो यहां पे क्या बता रहा है, द सेल आर चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड दियर फॉर रीड ओनली। मतलब अब ये केवल क्या है, रीड ओनली है, क्या है, रीड ओनली है। तो हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को हटा देते हैं। पासवर्ड हटाने के लिए पुनः हम रिव्यू में जाएंगे और यहां पे अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे, फिर से वही पासवर्ड हम डालेंगे, ओके करेंगे। अब अनप्रोटेक्ट हो गया है, अब इसको हम चाहे तो फॉर्मेट वगैरह जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, सारे टूल हमारे इनेबल हो गए। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम कुछ रेंज को क्या करते हैं, इतने रेंज को लेते हैं और यहां फॉर्मेट में जाते हैं। ये देखो पहले से सब लॉक है लेकिन हम यहां पे क्या कर देते हैं, लॉक सेल पे क्लिक करेंगे। अब इतने सेल क्या हो गए हैं, इतने सेल हमारे अनलॉक हो गए। इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं जैसे आपको पता चले कि ये सेल हमारे क्या है, अनलॉक। अब हम चलेंगे पुनः रिव्यू में, हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं। यहां पे हमको ध्यान देना है, हमने कहा जो अनलॉक सेल है उन्हीं को सिलेक्ट कर पाए। यहां पे हम क्या अनुमति दे रहे हैं कि जो अनलॉक सेल है, मतलब अनलॉक सेल ये, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जबकि जो और डेटा है उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, फिर से रिपीट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए हम यहां पे कहीं क्लिक करना चाहे कुछ नहीं क्लिक होगा, जबकि यहां पे हम क्लिक कर रहे हैं किसी भी सेल में तो क्लिक हो जा रहा है। और सेलेक्ट करें, अगर हम यहां से इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं नीचे तक खींचे तो नीचे नहीं सेलेक्ट हो रहा है, मतलब जितना अनलॉक सेल है उतना ही सिलेक्ट हो रहा है, शायद समझ में आया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं और अब हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट शीट पे फिर से जाएंगे, यहां पे इसको भी टिक लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई इसमें
अगर रो इंसर्ट करना चाहे तो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते तो ये कर पाए और कुछ इसमें ना कर पाए। तो हम यहां पे पासवर्ड लगा देंगे, फिर से कंफर्म, और अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे सेलेक्ट तो कर ही सकते हैं, हम यहां पे अगर कोई रो इंसर्ट करना चाहे कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं, यहां पे देखिए इंसर्ट शीट रो का भी ऑप्शन है, हम यहां पे रो इंसर्ट कर सकते हैं ठीक। और पुनः हम इंसर्ट में जाएं, कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहे तो ये हम नहीं कर सकते, हम बोल्ड इटैलिक कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है प्रोटेक्ट शीट क्या है। चलिए हम फिर से रिव्यू में चलते हैं और अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल के इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। इसके बाद है यहां पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर है और विंडोज है, दो ऑप्शन है। तो अभी यहां पे सीट की बात हो रही थी, अब पूरे वर्कबुक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूरे वर्कबुक की बात हो रही है। अब इस वर्कबुक में मतलब आप चाहते हो कि इस पूरे वर्कबुक को जो है हम प्रोटेक्ट करें, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पर जाके और यहां पे पूरे वर्कबुक को आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नई सीट इंसर्ट ना कर पाए, कोई सीट है तो उसको डिलीट ना कर पाए, अभी वहां पे आपने सीट को केवल प्रोटेक्ट किया था, जो और सीट है उसमें वो जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है। तो हम यहां पे चाहे तो पासवर्ड लगाएं या वैसे ही ओके कर सकते हैं, लेकिन हम पासवर्ड लगाते हैं। यहां पे अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसका जो है हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और विंडोज को बाद में चेक करेंगे। रिपीट करेंगे पासवर्ड, ओके कर देंगे ठीक। अब यहां पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट सीट का, डिलीट का, रीनेम का, मूव का, कलर चेंज करना, ये सब जो है यहां से गायब हो गया। और अगर हम कोशिश करें कि इसमें नई सीट इंसर्ट कर पाए तो नई सीट भी नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, हम लास्ट में पहुंचेंगे भी, तो यहीं से तो जो है नई सीट आती है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, नई सीट अब यहां पर इंसर्ट नहीं होगी। मतलब ये पूरा वर्कबुक ही आपका प्रोटेक्ट है, ये पूरा वर्कबुक आपका प्रोटेक्ट है। अब अगर आप चाहते हो कि नई सीट इंसर्ट कर पाए या किसी सीट को डिलीट कर पाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको प्रोटेक्ट में जाना है ठीक, और इस पर आपको क्लिक करना है और पासवर्ड आपको देना है, एंटर कर देना है। अब अगर हम यहां पर क्लिक करें तो यहां पर नई सीट इंसर्ट हो जाती है, साथ ही साथ इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहां पे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, ये सारे ऑप्शन भी आ जाते हैं। मतलब अब हम सीट को डिलीट करना चाहें तो देखिए सीट टू जो है डिलीट हो गई है, और इंसर्ट करना चाहें तो यहां से इंसर्ट हो जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट वर्कबुक में पुनः चलते हैं, यहां पर है विंडोज। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस विंडोज को, जो विंडो है इसका ठीक है, ये जो एक्सेल का विंडो ओपन है, इसको चाहे तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे होगा क्या कि इससे जो ये आपका विंडो है इसको ना कोई मिनिमाइज कर पाएगा ना कोई मैक्सिमाइज कर पाएगा। अब इसके लिए देखो यहां पे एक बटन मिलती है, यहां पे ये आप देखें बटन मिलती है, तो हम यहां से इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। अगर आप देखें तो यहां से हम इस विंडो को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं ठीक, विंडो क्लोज हो गया। हम पुनः जो है यहां से जाके और फार्मूला इन एक्सेल शीट थी हमारी, इसको हम ओपन करते हैं, और यहां से अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं ठीक। छोटा करके इसको हम कहीं भी सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे ठीक। यहां से फिर से बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, मिनिमाइज करना चाहे तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने फिर से फुल स्क्रीन में किया, वहां पर आपको तीन जो है कंट्रोल बटन मिलती है। तो अगर आप इस विंडो को जो है लॉक करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे प्रोटेक्ट भी जाना है और प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज भी जाना है। चाहे तो आप दोनों टिक कर लो, चाहे आप एक पे टिक करो ठीक। स्ट्रक्चर भी अगर आप चाहते हो कि साथ साथ हमारी कोई सीट डिलीट ना हो ना ही कोई इंसर्ट कर पाए तो आप स्ट्रक्चर वाले को भी लगा दो ठीक। पासवर्ड जो लगाना है वो पासवर्ड लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर से आपको पासवर्ड देना है और ओके कर देना है। तो अब क्या है, अब अगर आप यहां पे देखें तो जो हमारा कंट्रोल बटन था वो गायब हो गया। कंट्रोल बटन जो था मिनिमाइज मैक्सिमाइज, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं,
जो नीचे था जिससे हमारा ये जो वर्कबुक था ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो रहा था, वो बटन अब यहां पे गायब हो चुकी है, शायद समय में आ गया होगा। अब इसको फिर से जो है अनरोटेट करना है, तो आपको यहीं पे जाना है, ठीक, इस पे आपको क्लिक करना है और पासवर्ड डालना है, इंटर करना है, और अब देखेंगे कि हमारी वो जो बटन है वहां पे आ गई है, ये जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है ये यहां पे आ गई। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो शेयर वर्कबुक का है। जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे कंप्यूटर का नेटवर्क है, कई सारे लोग काम भी करते हैं, आपको यह भी पता है कि ये जो वर्कशीट है ये काफी बड़ी भी होती है, एक ही शीट पे चाहे तो बहुत सारे डेटा को जो हम यहां पे रख सकते हैं। अब ये वर्कशीट बड़ी है और इसमें आप चाहते हो कि हम अकेले काम ना करें, इसी वर्कशीट में हम कई लोग मिलकर काम करें, कई लोग मिलकर काम करें अगर हम चाहते हैं तो यहां पे एक ही सीट में एक साथ कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो एक सिस्टम पे नहीं होगा। हम एक नया वर्कबुक ले लेते हैं यहां से, या कोई बुक वन है इसको ले लेते हैं, यहां शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और जब हम शेयर पे जाते हैं तो यहां पे हमारे सिस्टम का नाम आता है, हु हैज दिस वर्कबुक ओपन नाउ, मतलब इस समय कौन जो है इस वर्कबुक को ओपन किया, तो अवध एडमिन हमारे सिस्टम का नाम है, इसमें ये ओपन है, ठीक। हम चाहें तो यूजर को रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम एडवांस में जाएं तो यहां पे एडवांस में जाने के बाद कीप चेंजेस भी है। क्या है कीप चेंजेस, मतलब इसमें हिस्ट्री, जैसे मान लो आप ट्रैक चेंज करते हैं, कोई अगर इसमें बदलाव करता है, ठीक है, या कोई चीज लिखता है, तो उस हिस्ट्री को कितने दिन की हिस्ट्री को आपको रखना है, कितने दिन के बाद जो है उस हिस्ट्री को डिलीट कर दे, तो यहां पे आप देख सकते हैं 30 दिन लिखा है और इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। अपडेट चेंजेस व्हेन फाइल सेव, मतलब जो भी आप इसमें अपडेशन करेंगे, जो कुछ आप लिखेंगे उसको कब जो है यहां पे सेव किया जाए, तो व्हेन फाइल सेव मतलब जब हम फाइल को सेव करें तभी वो सुरक्षित। जैसे मान लीजिए किसी ने इसमें कुछ कर दिया, ठीक, तो जो उसने किया है अगर आप उसको नहीं रखना चाहते और ऑटोमेटिक सेव हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि जब हम सेव करें, जब फाइल को सेव किया जाए तभी वो चेंज सेव हो, तो आप इस वाले पर रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली जो भी अच्छा बुरा हो इस फाइल में, जो भी कोई जो है इसमें कर रहा है वो सेव हो जाए ऑटोमेटिक, तो आप ऑटोमेटिकली एवरी 15 मिनट यहां पे है ही, आप चाहे तो यहां से कम ज्यादा करके लगा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस बिटवीन यूजर, मतलब अगर यहां पे एक चीज और पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कोई सेल है और उसमें आप भी काम कर रहे हो, आपने इसको शेयर किया है, अगला भी उसी सेल में काम कर रहा है, उसमें अगला भी काम कर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि जब कोई उसमें चेंज करे तो क्या हो। तो अगर आप चाहते हो कि आस्क मी जब कोई दूसरा उसमें एंट्री कर रहा हो तो वो एक बार पूछे कि कौन से वैल्यू को यहां पे रखना है, तो ये ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, और नहीं तो इसको भी आप अनटिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्लूड पर्सनल व्यू, मतलब कौन प्रिंट सेटिंग, जब आप इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सेटिंग कौन कर सकता है इसका, ठीक है, फिल्टर सेटिंग कौन लगा सकता है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे सेट कर सकते हैं। हम पुनः एडिटिंग पे चलते हैं और यहां से आप इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी जो है शेयर हो जाएगी। अब इसके बाद जो है, अच्छा इसके लिए हमको नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है, वैसे तो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शेयर करेंगे जब, ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क में, जैसे मान लो वाईफाई लगा है, इसी वाईफाई से और भी जो सिस्टम है हमारे कनेक्ट हो, या लैंड केबल के माध्यम से कनेक्ट है, तो भी जो है सारे सिस्टम एक ही जो है नेटवर्क में हो, तो वहां पे हम इसको शेयर करेंगे तो उस वाले सिस्टम में भी ये फाइल हमारी शो करेगी। नेटवर्किंग आपको नहीं पता है, लेकिन हम इसको शेयर करेंगे तो दूसरे वाले सिस्टम में भी ये फाइल शो करेगी, और वहां पे उसको ओपन करके वो इसमें काम कर सकता है, तो वहां वो भी काम करेगा और यहां हम भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पे शेयर जो है ये हो जाएगा। अब यहां पे अनप्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट का है, यहां पे आप चाहे तो प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस, यहां पे आप इसको टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड लगाना है तो आप यहां से पासवर्ड लगा के इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको ओके करेंगे, तो इससे होगा क्या, अगर आप इस पे पासवर्ड लगा देते हैं शेयर करने के बाद, तो जैसे मान लीजिए शेयर तो आपने कर दिया, लेकिन वो तब तक इसमें काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको पासवर्ड ना बताओ, तो आप चाहे तो इसमें पासवर्ड लगा दीजिए कि शेयर होने के बावजूद भी आप जो है इसमें काम वही कर पाए, इस फाइल को वही ओपन कर पाए जो पासवर्ड जाने, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पासवर्ड यहां पे लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। इसके बाद इसमें जो है अलाउ यूजर टू एडिट का है, मतलब अभी आपने यहां पे प्रोटेक्शन लगाया था शुरुआत में,
आपने शुरुआत में प्रोटेक्शन लगाया था, तो वहां पे क्या होता, पूरे में प्रोटेक्शन लग गया था। आप चाहते हो कि हम प्रोटेक्शन भी लगाएं, लेकिन कोई ऐसा रेंज हो जिसमें पासवर्ड लगने के बाद भी कोई एडिट कर पाए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का जो है ऑप्शन यहां पे देंगे। जैसे मान लो आप चाहते हो कि इस रेंज में, ठीक है, हम प्रोटेक्शन लगाते हैं उसके बाद भी इस रेंज में जो है कोई मतलब चेंजेस कर पाए, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, यहां पे आपको रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे जाना है। ठीक, यहां न्यू पे क्लिक कर देना, न्यू पे क्लिक कर देना है और रिफर्स टू सेल, तो वैसे तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, आप नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। ठीक, और एक से अधिक भी आप यहां पे रेंज दे सकते हैं, तो यहां पे रेंज 1 हमने दिया है, यहां पे C2 से लेकर और C18, तो यहां पे देखिए C2 से C18 यहां पे लिखा है। हम यहां पे पासवर्ड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं या ओके वैसे भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, तो हम यहां पे पासवर्ड लगाते हैं और ओके कर देते हैं, रिपीट करेंगे पासवर्ड और ओके करेंगे। अब इस तरह से यहां पे एक रेंज हो गया। ठीक, आप कोई और रेंज जो है चेंज करना चाहे तो और रेंज भी चेंज कर सकते हैं, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक, यहां पे हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटेक्शन लगा देंगे, हम क्या करेंगे यहां पे प्रोटेक्शन लगा देंगे। प्रोटेक्शन यहां पे लग गया, अगर हम यहां पे कुछ चेंज करना चाहें तो यहां पे नहीं चेंज होगा। ठीक, हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे चेंज नहीं होता है, लेकिन वही यहां पे अगर हम क्लिक करें और यहां पे 19 को हम 20 करना चाहें, ठीक, हां 19 को 20 करना चाहेंगे अगर, तो यहां पे एक बार पासवर्ड हमको डालना होगा। ठीक, और यहां पे हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, हो रहा है चेंज कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम यहां पे क्लिक करके कुछ करना चाहें तो यहां पे ना पासवर्ड मांगेगा और ना ही चेंजेस होगा। समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, यहां पे अलाउ यूजर से जाके इस रेंज को भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, हम किसी दूसरे सीट पे चलते हैं। चलिए हम यहां पे पुनः करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे टोटल वाले रेंज को हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहां पे हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। पहला काम आपको क्या करना है, देखो पहले प्रोटेक्ट सीट नहीं करना है, सीट को पहले प्रोटेक्ट नहीं करना है, पहले आपको अलाउ करना है कि आप इसमें किस रेंज को अलाउ करना चाहते हैं। तो यहां पर हम जाएंगे अलाउ यूजर टू एडिट पे क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से हमने सिलेक्शन कर ही लिया है, हम यहां पर न्यू पे जाएंगे। ठीक, न्यू पे जाने के बाद, ठीक है, रेंज का नाम देना चाहे तो दे, नहीं तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से है आपका जो भी सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे है। पासवर्ड इस रेंज के लिए कौन सा पासवर्ड देना चाहते हैं, आप चाहे तो अलग अलग रेंज अगर दे रहे हैं तो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग पासवर्ड भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहां पे आप एक मार्कशीट बना रहे हैं तो हिंदी के टीचर के लिए अलग पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं कि हिंदी वाले जो टीचर है उनको जो पासवर्ड बताओगे वो हिंदी सब्जेक्ट में ही चेंजेस कर सकते हैं, वो उसमें नंबर चढ़ा सकते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले टीचर के लिए अलग रेंज आपने बना लिया यहां पे और वहां पे उनका अलग पासवर्ड क्रिएट कर दिया, अब वो जो है आएंगे तो केवल इंग्लिश वाले में चेंज कर पाएंगे, हिंदी और अदर सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। इसी तरह मैथ का है, साइंस का है, तो अलग अलग यहां पे पासवर्ड अलग अलग रेंज के लिए सेट कर सकते हो, जो पासवर्ड जानेंगे, ठीक है, वो अपने में ही कर पाएंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे, अच्छा परमिशन का ऑप्शन है, ठीक है, यहां पे आप परमिशन जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यहां पे एडिट रेंज विदाउट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो इसको भी ओके कर सकते हैं। हम यहां पे ओके करते हैं और एक बार पुनः पासवर्ड एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक, यहां पे रेंज हमारा आ गया, अब हम चाहें तो और रेंज ले या हम इसी पे ओके कर दें। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे चलिए हम चेंज करते हैं, यहां पे 336 है, हम इसको 400 करना चाहते हैं, जैसे हमने 4 लिखा यहां पे पासवर्ड मांगने लगा, हम 1234 पासवर्ड दिए थे, इसको हम डालते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक, अब यहां पे हम जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा जो है चेंजेज हो रहा है, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, पुनः ओपन करते हैं। अब यहां पे ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, क्या है, ट्रैक चेंज का ऑप्शन, यहां पे हाईलाइट रेंज का है, ठीक, इस पे आपको क्लिक कर देना है, यहां पे जो टिक लगा है इसको ऐसे ही रखना है और ओके कर देना है। अब इसके बाद यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कुछ एंटर करते हैं, तो देखिए जैसे ही हम एंटर करते हैं यहां पे लिखते हैं, या मान लो इस पे कुछ लिखा है और इसके ऊपर हम कुछ दूसरा लिख दे, ठीक, तो यहां पे ये जो है हाईलाइट करके दिखा रहा है कि यहां पे चेंजेज हुआ, और अगर हम यहां पे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो यहां पे ये भी दिखा रहा है कि चेंज सेल G4 फ्रॉम, इससे जो है इसको चेंज किया गया, मतलब पहले ये टेक्स्ट था और इसकी जगह पे ये जो है लिखा गया है, या हम यहां पे कुछ लिख दें, ठीक, तो यहां पे ओवरराइट तो नहीं हुआ है क्योंकि पहले से कुछ नहीं था, लेकिन यहां पे दिखा रहा है कि सेल में जो है ब्लैंक सेल था जहां पे ये जो है टाइप किया गया है। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं कि कहां कहां पे यहां पे चेंजेस हुए हैं। तो ट्रैक चेंज का काम ही ये है कि जहां भी हम चेंज करें उसको वो ट्रैक करें, उसको क्या करें, ट्रैक करें। अब यहां पे आप जाते हैं और यहां पे एक्सेप्ट रिजल्ट का ऑप्शन आता है, तो इस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक, और यहां पे इसको आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहां भी आपको ऐसे ओके करना है। अब ये पूछ रहा है जो भी आपने चेंज किया है उसके बारे में पूछ रहा है कि यहां पे जो आपका सेल है L4, ठीक, इसमें जो है ब्लैंक से जो है कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, ये आप यहां पे देखें, ठीक है, L4 जो है आपका सेल है, तो ये जो आपने किया है इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको एक्सेप्ट करना रखना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसके बाद दूसरे सेल में पहुंचता है, इसको आपको क्या करना है, यहां पे जो चेंज हुआ है इसको आपको क्या करना है, यहां पे दिखा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो इसको जो है रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा कि क्या आपको रखना है, ये रखना है या ये रखना है, जो भी आपको रखना है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर जो है पहुंचता है अगले सेल में, यहां भी आप देखें, ये यहां पे पहुंचता है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रखना है या रिजेक्ट करना है, तो मान लो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हमको एक्सेप्ट करना है, ऐसे एक एक करना चाहे, या एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल पे भी क्लिक करके आप ओके करेंगे और सारे भी जो भी चेंजेज हैं वो क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ट्रैक चेंज का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।